राधा समुद्र आनंद समुद्र प्रभु ने ही ये माया जाल रचा है। जैसे मकड़ी स्वयं जाला रचती है उसी में खेलती है, ऐसे ही वो अपने आप से अपने आप में जाल इस माया का रचा और आप ही खेल रहे हैं। आप फंस गए आप अपने स्वरूप को न जानने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण आप अपने को भगवत स्वरूप से विलग मान करके नाना प्रकार के अभिमानों से युक्त होकर मैं विद्वान हूं, मैं मुख जाति का मुख कुल का, मैं रूपवान, मैं जवान, मैं महत्वशील आदि आदि आदि, यही माया जाल का बंधन हो गया। वस्तुतः माया जाल कोई और नहीं है, आपका ही बनाया हुआ है। आप अपनी ही अहमता ममता को भ्रमात्मक संकल्पों में फंसा कर फंस गए। बस आपको ही इस माया जाल से मुक्त होना है। किसी की ताकत नहीं कि आपको मुक्त कर सके यदि आप मुक्त ना होना चाहें तो। जब आप मुक्त होना चाहते हैं तो वही स्वयं आपको मुक्त करने का उपाय बताते हैं, पर मुक्त आपको होना पड़ेगा क्योंकि पकड़े आप हैं। आप ना छोड़े तो कोई भी अनुष्ठान आपको छुड़ा नहीं सकता। ये जैसे लोगों को भ्रम बना रहता है कि बहुत काल हम साधना करेंगे तब फिर कहीं जाकर हमको ये ज्ञान होगा, ये ज्ञान साधना से नहीं होता, ये ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग से विवेक का जागरण होता है, विवेक से मोह का नाश होता है और मोह नाश होते ही अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाता है या भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में विशेष प्रधान दो ही मार्ग हैं, अभेदात्मक भक्ति और भेदात्मक भक्ति। अभेदात्मक भक्ति, जो प्रभु है वही मेरी आत्मा है, जो मैं है वो श्री कृष्ण है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, ये अभेदात्मक भक्ति है। और भेदात्मक भक्ति, मैं प्रभु का अंश हूं अर्थात सेवक हूं और प्रभु हमारे स्वामी हैं, केवल प्रभु से संबंध। तो दोनों उसी अखंडानंद को
उसी सरस अनंतानंद को प्राप्त होते हैं जो इस भ्रमात्मक जाल से हट जाता है। भ्रमात्मक है नहीं पर प्रतीत होता है, यही माया है। जो है उसकी अनुपस्थिति लगती है और जो उपस्थित दिखाई देता है वो है नहीं। बस ये हमें समझ में आ जाए, उसी को समझाने के लिए प्रभु ने अर्जुन जी को निमित्त बनाकर श्रीमद् भगवत गीता जी का गायन किया, उपदेश किया। पीछे प्रसंग चल रहा है, प्रभु ने बताया कि जो सत वस्तु है उसका कभी भी अभाव नहीं, भूत काल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में जो था है वही रहे, और जो असत है उसका कभी भी भाव नहीं, क्योंकि वो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, ये बीच में भास रहा है नहीं। वो गोचर जहां लगू मन जाई सो सब माया जानो भाई, ये दिखाई दे रहा है, सत्य साफ प्रतीत होता है पर है नहीं। प्रभु ने कहा सत है और असत ये केवल प्रतीत होता है, इसकी सत्ता नहीं है, सत्ता सत की है। आगे उसी की व्याख्या करके कह रहे हैं अविनाशी तु तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, अविनाशी तो उसको जान जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, संपूर्ण संसार में वो छाया हुआ है, उसे तू अविनाशी जान। वो स्वयं प्रभु हैं, परमात्मा हैं, उनके सिवा कोई नहीं, वो व्याप्त है, चर चर सब जगह व्याप्त है। ये जो विशुद्ध ब्रह्ममय जो मैं है, जब ये मैं शरीर अंतःकरण स्वभाव को स्वीकार कर लेता है तो ना अपने आप को जान पाता है ना संसार को जान पाता है, और जब अंतःकरण से मैं हट जाता है, शरीर भाव से स्वभाव से वो ऊपर उठकर भगवत भाव में स्थित होता है, वो अपने को भी जान लेता है और संसार को भी जान लेता है। तो प्रभु जना रहे कह रहे अविनाशी तू तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम। हे अर्जुन, अविनाशी तू उसको जान जो सब जगह व्याप्त है पूरे संसार में। जैसे गोस्वामी जी जान गए तुलसीदास जी, देखा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। ओहो, जितना ये जड़ चेतन है, जितना ये जीव जगत है, ये स्वयं भगवान बने हुए हैं। स्वयं जैसे कुम्हार मिट्टी के पात्र बनाता है तो कुम्हार अलग हुआ, जिसमें रख करके मिट्टी को आकार दिया जाता है वो चाक अलग हुई, जिससे वो चाक घुमाई जाती वो डंडा अलग हुआ, और जो पात्र बने वो अलग हुआ। चारों चीजें अलग अलग हैं, कुम्हार चाक मिट्टी और चाक घुमाने वाला डंडा। यहां ऐसा सृष्टि में क्रम नहीं है, स्वयं भगवान ही बनाने वाले हैं और स्वयं भगवान ही बनने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं। ये जो आपने भेद पैदा कर दिया, ये मैं, ये तू, ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, यही अज्ञान है। इसी को श्री भगवान संबोधन करते हुए कहते बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। ऐसा महात्मा कोई बहुत ही दुर्लभ मिलता है जो ये जान पावे कि संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है, कई जन्मों में, बहुत जन्मों में
वो ऐसा साधन करते करते तब परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है। तो हमारे बहुत जन्म हो गए, अब हमारा आखिरी जन्म है, हमें जान लेना चाहिए। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपके अंदर ना कोई भाव आएगा ना कोई प्रेम आएगा। ये आपको जानना ही पड़ेगा कि आपका शरीर ही संसार है। ये जो ऊपरी शरीर स्थूल दिखाई दे रहा है, जो सूक्ष्म शरीर अंतःकरण सहित ज्ञान इंद्रियों सहित है, और जो स्वभाव, इन तीनों से अपना संबंध हटाना ही होगा। आप अगर ऐसा सोचते हो कि भजन करते 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 ये स्वयं आ जाएगा, तो आप ये भूल मत कीजिए कि बहुत जन्मों की यात्रा हो जाएगी। क्योंकि जब तक शरीर राग है तो सही भजन होगा ही नहीं। छोटे छोटे मान अपमान निंदा स्तुति में विचलित होकर भजन छोड़ देंगे, छोटी छोटी विपत्तियों में परिस्थितियों में आप फंस जाएंगे, छोटे छोटे व्यवहार के कार्यों में आप उलझ जाएंगे। क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है तो आप सत्य वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जो संतों का समागम नहीं किए उनका एक रस साधन चल ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं राग द्वेष में मात्सर्यता में अरज करके अपने भजन को खो बैठते हैं। इसलिए भजन करना कठिन, भजन करके बचाना कठिन, और बचा के उसे पचाना कठिन। सत्संग तीनों प्रदान करता है। सत्संग भजन में रति प्रदान करता है, सत्संग भजन को बचाने की जो हमारे हृदय में चतुराई होने चाहिए वो सिखाता है, और भजन पचाने की जो सामग्री होनी चाहिए दैन्यता वो सत्संग प्रदान करता है। यहां स्वयं प्रभु सत्संग दे रहे हैं। एक एक शब्द अमोल है, इसे अगर हृदय में धारण करें तो इस माया प्रपंच से मुक्त हो जाएगी। हे अर्जुन, अविनाशी तू तो उसको जान जिसने संपूर्ण संसार को अपने में समा रखा। यह संपूर्ण संसार में समाया हुआ है, अपने में समा रखा है। विराट इतने बड़े महान हैं कि सब हम उनके एक अंश में हैं। दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, ऐसा वो विराट है। और वो इतना सूक्ष्म है कि जिन जीवों को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते उन जीवों के हृदय में भी आराम से शयन कर रहे। अणो अणियान महतो महियान, वो महान से महान, वो छोटे से छोटा है, संपूर्ण संसार को अपने में समाये हुए है, और संपूर्ण संसार में वो समाया हुआ है। तू जान अर्जुन ये बात। प्रभु कह रहे हैं जो अविनाशी है उसका त्रिकाल में कभी कोई विनाश करने में समर्थ ही नहीं, क्योंकि वो अविनाशी है। और जो विनाशी है उसको कोई बचा नहीं सकता, उसका निश्चित विनाश होता है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ। भगवान ऐसा भी कह सकते थे कि मुझ अविनाशी को तू समझ, परोक्ष में कहा उस अविनाशी को समझ, क्योंकि अभी समझा रहे हैं। हो सकता है समझाने में कहीं अर्जुन को ऐसा न लगे कि ये तो अपनी ही बात कह रहे हैं, इसलिए समझाते समझाते जब मध्य में पहुंचते हैं तो अर्जुन कहते हैं आखिरकार स्पष्ट आप क्यों वर्णन नहीं करते। तो कहते मन मना भव मत भक्तो मात्याजी माम नमस्, मेरी पूजा कर, मेरे को प्रणाम कर। अभी कह रहे उस तत्व को, अब जैसे कह दिया जाए मेरी पूजा कर, मेरा नमस्कार कर, मेरी आज्ञा का पालन कर, मेरी सेवा मन भगवान मन बैठे, जब उसकी सुनते सुनते प्रबल श्रद्धा हो जाए अरे ये तो मेरे प्रभु है, तब फिर वो उपाय बताते मन मना हो सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम। यहां भगवान कह रहे हैं कि तू ऐसा समझ उस अविनाशी तत्व को, उस कह सकते थे मुझ अविनाशी को समझ। परोक्ष बताने का तात्पर्य है
कि ये जो संसार तुम्हें दिख रहा है ये ऐसा है नहीं, ये भगवत स्वरूप है। ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है। संतों ने अनुभव किया है कि जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसी ही सृष्टि है। गोपीजनों की श्याममयी दृष्टि हो गई तो ये पूरी सृष्टि श्याममयी दिखाई दी। गोस्वामी जी की दृष्टि राममयी हो गई तो सारी दृष्टि उनको सी राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगपानी। और हमारी दृष्टि राग द्वेषमयी हो गई तो साफ सृष्टि में हमें राग द्वेष दिखाई दे रहा, ये अपना ये पराया, ये अच्छा ये बुरा। ऐसा साधना उपासना सत्संग क्या करता है, आपकी दृष्टि बदलता है। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि जैसी दृष्टि वैसी दिखाई देने लगी। एक ही भगवान जब कंस के रंगमंच पर पधारते हैं तो किसी को विकराल काल के रूप में दिखाई देते हैं, किसी को विराट रूप में दिखाई देते हैं, किसी को अत्यंत सुकुमार करोड़ करोड़ कामों के भी सौंदर्य का मर्दन करने वाले आनंद सिंधु प्रीतम दिखाई देते हैं, किसी को अपना प्यारा सखा दिखाई देता है, किसी को अत्यंत लाडले पुत्र जैसे दिखाई देते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अभी हमारी भावना माया जाल से युक्त है, इसलिए मुझे मैं और मोर तोर तय ये माया। जे ही बस कीने जीवन संपूर्ण चराचर जगत को वश में किए हुए मैं मोर तोर तय, इसी को मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। प्रभु समझा रहे हैं कि जो इदमता से तुम्हें पूरा संसार दिखाई दे रहा है ये है नहीं, मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। जब तक ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तब तक भगवत राज्य में अंतर में आपका प्रवेश नहीं होगा। नामदेव जी के चरित्र में आता है जो भगवान से बहुत प्यार करने वाले महापुरुष बचपन से ही भगवत उपासना में परिपक्व भाव से लगे हुए, बाल्यावस्था में साक्षात प्रकट करके भगवान को भोग लगाना दुख पान करवाना बड़ी महिमामयी की बात। एक बार गोरा कुम्हार के यहाँ सब भक्तों का बैठ करके भगवत में संगोष्ठी होना और उनमें ज्ञानदेव जी की बहन का ऐसे ही विनोद में वो एक मटकी थापने की थाप लेकर सबके ऐसे सिर पर करना। पूछा ये क्यों कर रहे, बोले देखते हैं कौन सी मटकी कच्ची है कौन सी पक्की है। सब विनोदास्पद भाव से बैठे हुए थे। जब नामदेव जी के ऊपर ऐसे मारा तो नामदेव जी ने कहा ये क्या है, ये कौन सी सेवा या पूजा है, ये कौन सी विनोदास्पद बात है, ये ठीक नहीं। बोले गोरा कुम्हार की तरफ देख के कहा काका ये मटकी कच्ची निकली। समझ रहे, किसी भी प्रतिक्रिया में तुम्हारे हृदय में कोई हलचल होना ये कचाई है साधना की, किसी भी सम्मान की अपमान की आदि 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 तुम्हारे हृदय में हलचल होना व्यथा होना ये कचाई है। सब संत जनों ने हंस दिया, ठीक कह रही हुआ, ये सीधे प्रभु से बात करते थे नामदेव जी। प्रभु के समीप गए मंदिर में और कहा ऐसा ऐसा सभा में हुआ और हमें कच्चा साबित किया गया, तो प्रभु आपकी प्राप्ति के होने के बाद क्या उपासक कच्चा रहता है। प्रभु ने कहा जब वहां निर्णय हो गया संत सभा में कि आप कच्चे हो तो कच्चे तो हो ही। बोले क्या कच्चे, आप हमसे बात करते हो मतलब भगवत संभाषण होना कोई कच्चाई का लक्षण है। भगवान ने कहा नहीं, जब संतों ने कह दिया कच्चे हो तो कच्चे हो। बोले प्रभु फिर आप बताओ पक्के कैसे बने। बोले जाओ उस जंगल में एक संत मंदिर में पड़े हुए हैं, वो जो उपदेश करें उसे धारण करोगे तो तुम सच्चे हो जाओगे। अपने यहां भी सेवक वाणी में दो प्रकरण विशेष तौर से प्रकाशित किए गए हैं, एक काचे धरणी प्रकरण और एक पाके धरणी प्रकरण। और
नवम प्रकरण में दो विभाग किए गए हैं, एक अकृपा प्रकरण और एक कृपा प्रकरण, दोनों को समझना चाहिए। संत के पास गए तो उन्होंने भगवान शंकर की जो पिंडी थी उस पर तो पैर रखे हुए थे और डेहरी में सर रख के आराम कर रहे थे। नामदेव जी ने विचार किया कि तो आस्तिक भी नजर नहीं आ रहे, कैसे लेटे हुए। बोले कि आप भगवान शंकर से अपने पैर हटा लीजिए। उनका बूढ़ा हूं, आराम कर रहा हूं, जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो हमारे, उनको जवान हो बेटा, जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख। वो ऐसे पैर पकड़ के जहां करते वही कण कण में शिव, कण कण में शिव। आश्चर्य हुआ कि जो मैं समझ रहा था वो नहीं, तो कोई सिद्ध महापुरुष है और भगवान ने इनका परिचय। तो हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरी कचाई क्या है। बोले बस यही कचाई है कि तुम्हें कण कण में प्रभु का दर्शन नहीं, मंदिर में प्रभु का दर्शन नहीं, कण कण में वो प्रभु रमा हुआ है, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। ये बात स्वीकार करो। नामदेव जी ने स्वीकार किया तो कुत्ते में भी भगवान को देखा, भूत में भी भगवान को देखा। ये पकाई है। सब महात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो अपने प्रभु को सर्वत्र, और ये स्थिति आए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप फंसे इसी प्रपंच में हो। राग द्वेष अच्छा बुरा, इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। तो प्रभु कह रहे हैं इस संपूर्ण संसार में एक ही परम तत्व व्याप्त है, दूसरा नहीं। जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने दिख रहा है ये बिल्कुल नहीं है। अरे हमें दिख रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, पीछे से फोकस आता है और पर्दे में पूरा नाटक दिखाई देता है। माया रूपी पर्दे में मैं तू का, अच्छा बुरा का, ये नाटक दिखाई देता है, पर जो इसकी सामर्थ है वो प्रभु है, वो प्रभु है, दूसरा नहीं है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये बात पकड़ लीजिए, बिना इस बात की सिद्धि के आप प्रेम मार्ग में बढ़ नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वेष हो जाएगा, कहीं ना कहीं राग हो जाएगा। ये बहुत हमारे लिए खतरा है, ये बहुत हमारे लिए बाधा है। एक भी शत्रु यदि संसार में है तो आपको लौट के आना पड़ेगा हिसाब करने के लिए। एक भी कोई अपना है तो आपको लौट के आना पड़ेगा। राग और द्वेष, अगर आप प्रिया प्रीतम के प्रेम में निकुंज में जाना चाहते हैं, या किसी भी भगवत धाम में किसी भी लीला में प्रवेश पाना चाहते हैं, या आप जीवन मुक्त होना चाहते हैं, तो एक भी ना शत्रु होना चाहिए और ना मित्र होना चाहिए। अगर हमारी ये वृत्ति चलती रही कि ये हमारे अपने ये पराए, तो आप माया का ही दर्शन कर रहे, भगवत भाव में आपका प्रवेश नहीं हुआ है। या जो भी इस ऊंचाई पर चढ़े हुए महापुरुष हैं, आप उनके चरित्रों को पढ़ के देख लीजिए। और ये किसी साधना से नहीं होता, ये सत्संग से सुनकर मनन करने पर होता है। अभी आप धारण कर लें, अभी आप अभ्यास शुरू करें, तो आपको सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। प्रतिकूलता में आपको बड़ा उत्साह मिलेगा, आह आज मुझे अवसर मिला है सहने का, और आप अनुकूल चिंतन करने लगेंगे अपने मार्ग के। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल का त्याग कर, नहीं नहीं कोई दूसरा नहीं, अपने प्रभु ही है। जिसको प्रभु वर्णन कर रहे हैं कि वो परम तत्व सब में विराजमान है, कैसे, बोले जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना ही सोना है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो कुंडल कंकण आदि है वो भी सोना है। जैसे लोहे के बने हुए जितने भी हैं यंत्र अस्त्र जो भी, उनमें सब में लोहा विराजमान है।
जैसे मिट्टी के बने हुए बर्तनों में मिट्टी ही मिट्टी है, जैसे बर्फ में केवल जल ही जल है, दूसरा कुछ नहीं, आकार में वो जल है और वो बहता हुआ जल है, लेकिन जो आकार रूप बर्फ का जल है उसमें जल ही जल है, दूसरा नहीं। देखो ना, बर्फ जब पिघल जाएगी तो जल ही जल है, तो वर्तमान में वो बर्फ नहीं है, दिख रही वो जल ही है, पर हम उसे जल नहीं कहते, है वो जल ही। जैसे हम कुंडल को कुंडल कहते, सोना नहीं कहते, पर है वो सोना ही। जैसे लोहे के बने हुए यंत्र आदि, हम उनको लोहा नहीं कहते, उनको नामों से पुकारते हैं, ये अमुक है, ये अमुक है, ये हंसिया है, ये गड़ासा है, ये अमुक, पर है लोहा ही। ऐसे ही हम अज्ञान की धरा में, ये अमुक जाति का है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये मेरा है, ये तेरा, वो है ब्रह्म ही, वो प्रभु ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये समझना होगा, ये सबके लिए नहीं है, ये सब नहीं समझ पाएंगे। जो संसार से निकलकर भगवत मार्ग में आरूढ़ हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं या प्रेमी होना चाहते हैं, वही इस बात को धारण कर सकते हैं। सबके सामने नहीं, ऐसा विकराल रूप धारण करेगी कि वो आप समझ नहीं पाएंगे, ये भगवान कैसे है, ऐसा नीच पुरुष भगवान हो सकता है क्या, ऐसा आपको लगेगा, ऐसी गंदी हरकत करने वाला भगवान हो सकता है क्या, ऐसा लगेगा, ये सब मारकाट मची दुराचार, ये भगवान हो सकता है, दुराचारी कहीं भगवान हो सकता है, ये बड़ा विकराल स्वरूप त्रिगुण माया का है, कहीं सतोगुण, कहीं रजोगुण, कहीं तमोगुण, कहीं मिश्रित, ये लीला आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए त्रिगुण विषयावेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन, भगवान आदेश करते, यदि मुझे जानना चाहते हो तो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो। संसार में सत तत्व विराजमान है, अतः आपके जानने का विषय केवल यही है कि कहीं कोई भी स्थान वस्तु व्यक्ति ऐसा नहीं जो मेरा प्रभु न हो। अब ये कोई कह सकता है कि इस निकुंज मार्ग में इस ज्ञान की मुझे क्या आवश्यकता है, तो भोली सखी जी श्री प्रिया जी की नित्य सहचरी भाव को प्राप्त हुए महापुरुष है, वो आदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं जिए तो ही ऐसी चाहिए सब ही की सही ले ही, घट घट में प्रभु रमी रहो उत्तर का को दे। देख लीजिए सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वारा देव धर्मम, आचार्य चरण के वचन है और आचार्य शरणागत श्री भोलानाथ जी भोली सखी इसका अनुभव कर रहे, कह रहे जी तो ही ऐसी चाहिए सब ही की सहिले। महापुरुषों ने कभी दूसरे को उपदेश नहीं किया, वो अपने मन को अपने हृदय को निमित्त बनाकर उपदेश कर रहे, कह रहे कि ऐ मन तुझे ऐसा उचित भाव लाना होगा कि चाहे कोई कितना भी अनुचित तुम्हारे साथ करे तुम्हें सहना होगा। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हित गार, कौन सह सकता है जिसने अपने संपूर्ण माने हुए को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। गृह तन गुरु हित गार हार अपनी करिमानत, चार वेद सुस्मृति जो चार, हमें उनकी राशि को जानने के लिए पहले गुरुदेव के चरणों में आश्रित होना पड़ेगा। कुल कर्म न जानत धार्य विद्या करि विचार चित हित हरिवंश ही, चित हित हरिवंश। अगर कोई कहता है कि इन ज्ञान की बातों का इस रस मार्ग में कहीं हो सकता है कोई आपसे कह दे, तो आपके पास परिपक्व उदाहरण कितने दे रसिकों के, वो कह रहे जी तो ही ऐसी चाहिए सब ही की सहिले। कैसे सहू, दो कौड़ी का आदमी वहा करके हमारा अपमान करके चला जाता है, मैं इतना गिरा हुआ हूं। नहीं नहीं, वो दो कौड़ी का आदमी नहीं, वो तुम्हारा आराध्य देव है, बस समझना है
घट घट में प्रभु रम रहे हो, उत्तर का को दे क्यों ये लड़ाई झगड़ा, ये राग द्वेष, ये क्यों? सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, तो सबको कर पर नाम, चाहे जिस शब्दों में ले लो सब। उमा राम चरण रथ विगत काम मद को, निज प्रभु में देखे जगत के हिसन करे विरोध। अगर ये विरोध वृत्ति है तो आप हरिवंश शरणागत नहीं, आप निकुंज के उपासक नहीं है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, अजात शत्रु पैदा ही नहीं हुआ जिसका शत्रु, अजात जात वाले पैदा, अजात पैदा ही नहीं हुआ जिसका शत्रु। पूरी सृष्टि में एक भी कोई द्वेष का पात्र नहीं है जिसके, वही माना जाएगा हरिवंश नाम लीन जे। भोली सखी जी कह रहे कि मानो कोई प्रश्न करे कि कितना सहूं, बहुत सताता है, हम रोज चाहते हैं कि वो शांत हो जाए, हाथ जोड़ते हैं पैर जोड़ते हैं, लेकिन वो रोज नया रूप लेकर आता है और मुझे कष्ट देता है, कितना सहूं। तो कह रहे तन छुटी वे लो हद है, सहिले मन धरी धीर, क्यों इतनी ममता करे, कोटिन छाड़े शरीर। पूरी सखी जी कह रही बहुत ने बहुत कोई इतना कष्ट दे सकता है क्या कि हमारे शरीर को हमसे अलग कर सकता है, अर्थात मार सकता है। तो तुमने करोड़ों शरीर छोड़ दिए हैं अनेक जन्मों में, अब एक जन्म में प्रियालाल के लिए समर्पित कर दो, नहीं बोलेंगे, नहीं विरोध करेंगे, नहीं किसी को अपना शत्रु मानेंगे। तो आप ऐसा न समझना कि आप ऐसे हो जाएंगे तो सामने वाला स्वतंत्र होकर बर्ताव करेगा, नहीं, जब आप ऐसे हो जाएंगे तो पूरी दृष्टि स्वामी की आपकी तरफ होगी और सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार लबापत जा। अरे बड़ा लीला बिहारी है, महाभारत में 11 अक्षौणी सेना इस पक्ष की थी, विपक्ष की, और 7 अक्षौणी इधर की, लगभग लगभग कुछ बचे थे नहीं, सब स्वाहा हो गए थे, लेकिन भरवी नाम के पक्षी के अंडे का कुछ नहीं बिगड़ा उसी महाभारत कुरुक्षेत्र में। एक विशाल घंटा प्रारंभ में ही उसके ऊपर गिर गया और अंडे के ऊपर पूरा महाभारत हो गया, अंडे का कुछ नहीं। एक से एक महावीर, 10,000 योद्धाओं को एक साथ मारने की शक्ति रखने वाले, 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े रहे, लेकिन उन अंडों का कुछ नहीं। कैसा गजब का आश्चर्य है कि 18 अक्षौणी सेना विनाश हो गई लेकिन उस पक्षी के अंडों का कुछ नहीं हुआ। क्यों? जाकुरा के साइयां मार सके लगभग। एक दिन प्रहलाद जी ऐसे अपने नगर में विचरण कर रहे थे तो एक कुम्हार की पत्नी, कुम्हारिन, बार बार माथा ठोक रही थी, क्या करूं क्या करूं, हाय बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रहलाद जी ने कहा क्या गलती हो गई? बोले बस अब कोई बचा सकता है तो भगवान ही बचा सकते, दूसरा नहीं। क्या? मुझे ध्यान था कि उस मटकी में बिल्ली के बच्चे हैं, पर मेरी बुद्धि काम नहीं की, उसी मटकी को बीच में रखकर आवा लगा दिया। अब आग लग गई है, पूरा आवा जल रहा है, अब मुझे ध्यान आया कि उसमें बिल्ली के बच्चे थे, हाय बहुत बड़ी गलती हुई, अब कैसे वो बचेंगे? अगर ऐसी स्थिति में बचा सकता है कोई तो भगवान बचा सकते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कब खुलेगा आवा? बोले सुबह। प्रहलाद जी सुबह पहुंचे, बोलो राजकुमार, सब मटकी पक चुकी थी और उस मटकी में आंच भी नहीं थी, गरम भी नहीं हुई थी, और जे भी निकाला तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते उधर के भागे। प्रहलाद जी को दृढ़ निश्चय हुआ कि अगर भगवान रक्षा करे तो ज्वाला में बैठने पर भी कहीं आंच भी नहीं आती। संपूर्ण लंका भस्म हो गई लेकिन विभीषण के घर में आंच भी नहीं लगी।
भगवान का भरोसा। ये ताकर दूध अनल के सिरजा, जला न सोते कारण गिर जा। जो अग्नि में दाहिका शक्ति देते हैं वो स्वामी प्रभु का दास है, इसलिए कुछ नहीं। ऐसा न सोचना कि आप सहते चले जाएंगे, वो सामने वाला आपके ऊपर आक्रमण करता चला जाएगा। नहीं, जिस समय उनके स्वामी की दृष्टि पड़ेगी, लीला है, कोई समर्थ नहीं, ऐसा कोई दोषी वाला ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के दास को झुका सके। नहीं, विश्वास रखना। हाँ, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति काबू। बिल्कुल नहीं, आपको सहना है, आपको क्षमा करना है। ये हमारे पास अस्त्र है, क्षमा। कितना तुम करोगे, हम क्षमा रूपी ढाल से अपने को बचाते जाएंगे, और यही क्षमा तुम्हारे लिए ऐसा स्वरूप धारण करेगी कि तुम इसे सह नहीं पाओगे। जैसे लोगों को लगता है झुक रहे हैं, देखा है आ गए लाइन में, वो लाइन में आ गए, तुम्हारी लाइन क्लियर हो रही। अगर वो डांट देते तुम्हारी लाइन बन जाती। हाँ, एक नाव में बहुत बड़ी नावें होती, बड़ी बड़ी दरिया में जो चलती हैं, 100-100, 200-200 लोग ऐसे, तो उसमें बहुत से लोग बैठे थे और विचरण करने वाले गुरु शिष्य दोनों वहां बैठे हुए थे। ये कोई कथा नहीं है, एक घटना घटी थी, संतों ने सुनाया था। उसमें दो पुलिस के कर्मचारी भी खड़े, तो उस समय पहले जैसे अभी कोतवाली आदमी गेट में जो खड़े होते हैं तो उसमें चाकू लगी होती है, बंदूक के ऊपर चाकू, ऐसे वो दोनों लिए हुए थे। अब वो तो अपने बूट पहने ऐसे, तो जो गुरुदेव भगवान थे उन्हीं के चरणों के पास शिष्य बैठा था, तो वही वो आके खड़े हुए, तो बूट उसके पैर में रखे, वो ऐसे हुए कि साहब पैर में हमारे आपका पैर लगा, एक चाटा गुरु जी कुछ न, शिष्य कुछ बोला। अब नाव बढ़ी, जब दरिया पार हुई तो नाव वहीं तक जा सकती, जा थोड़ा गहरा जल, जल हो प्राय किनारे इतना इतना जल होता है, पर नाव वहां नहीं जा सकते। तो ऐसे ही 2-4 हाथ के पहले ही नाव लग गए, तो जिन्होंने थप्पड़ मारा था वो ऐसे वो बंदूक का ऐसे करके छलांग लगाने, अब उनको बुद्धि काम नहीं की कि बालू है धस जाएगी, और ऐसा हुआ कि जूता ही फिसला और वही संगीन उनके या और जाप से गिरे, तो गुरु जी उठे, एक थप्पड़ से सिके मारा। अगर गाली दे देता, कुछ कर देता तो बच जाता, तो चुप रह गए, मर गए। उमा क्षमा श्राप होते भारी, आपको शांत रहना, आपका मार्ग पुष्ट होगा। उनके प्रति हमारा कोई कट व्यवहार, अगर संत का अपराध बन जाए और आपको कट वचन बोल दे तो नाच पड़ना कि मुक्त हो गया। अगर वो चुप हो जाए, प्रणाम कर ले या हाथ जोड़ ले या सर झुका ले, तो समझ लेना कि ब्रह्मावीर तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये चाल होती है, तो संत जिसे अपना समझते हैं उसे कट व्यवहार करते हैं। भूल कर भी तुम्हारा मन कभी कुमार कामी न हो, जब संत देख लेते हैं कि हमारे बस का नहीं रहा तब हाथ जोड़ लेते हैं और मृदु वचन कहकर झुक जाते हैं। उनका झुकना माया का रोंगना निश्चित हो जाता है। तो ऐसा कोई न समझे कि कोई मुझे कितना सताए, मैं कुछ बोलू ना, तुम नहीं बोलोगे तो वो बोलेगा। जिसके सामर्थ्य से ही सूर्य तपता है, जिसके भय से ही मृत्यु भयभीत होती है, जो चराचर का स्वामी है, वो हमारा मालिक है, वो देख लेगा, आपको नहीं पूछता। आपको तो यही भावना करने की, इसमें भी प्रभु है। तन छुटबे लो हद है, सहिले मन धर धीर, क्यों इतनी ममता करे छाड़े कोटि शरीर, करोड़ों शरीर छोड़ चुका है, इस शरीर में क्यों इतनी ममता कर रहा है, चुपचाप सहले। सहनशील आशय उदार धीरज सहित विवेकी, हमारा आशय है प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचना, हमको सहना ही होगा,
हमें धैर्य पूर्वक विवेक के द्वारा किए गए प्रतिकार का, अपकार का, निंदा का, अपमान का उत्तर मंगल भावना से देना है। हमारा साधु स्वरूप है, उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई, वो अपमान करे हम उसको सम्मान देंगे, वो हमारा अहित करे हम उसका हित करेंगे, वो हमारा किसी भी तरह से नाश करने का सोचे हम उसको अविनाशी पद में बैठाने की सोचेंगे। हम में और उसमें यही अंतर है। आगे कह रहे कि उपासक उपाय करने लगता है बचने का, भगवत भाव से नहीं, अपनी बुद्धि से, चतुराई से उसको उपदेश देकर अनुकूल बनाने का, ये भी मना कर रहे हैं। कह रहे क्यों काहू को बावरे अपनो दुख सुनाए, तू अपने हृदय की बात क्यों दूसरों को बताता है, ये आदमी बड़ा दुख दे रहा है या अमुक अमुक स्थिति नहीं। आप उपासक देख लो, सिद्धांत से चलोगे बहुत जल्दी आप प्रियालाल के निजजन हो जाओगे। किसी से नहीं कहना कि आदमी मुझे सताता है, क्योंकि जो सताने वाला विधान है और जो सताने वाले का कारण है वो प्रभु ही है। कारण श्री हरिवंश बनम, इसलिए मुझे नहीं कहना। कहने अगर कहोगे तो वो ही में दुख पावे तेरी पीर न जाए। अगर तू अपनी बात कहेगा और थोड़ा आपका हृदय से वो दुखी हो जाएगा और आपकी पीड़ा बढ़ जाएगी। चुप रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई है लोग सब बांट न ले है कोई। हृदय की पीर को आप चुपचाप छुपा लो, वही पीर विरह बन जाएगी और भगवत आराधना में अपना बड़ा सहयोग हो जाएगा। रे मूरख क्यों चतुर बन अरुझत बारंबार, भलो भलो कई छाड़ दे बहुबातन व्यवहार। कई जगह तो हम इस बात के लिए अरज जाते हैं कि लोग कहें कि नहीं बहुत अच्छे हैं, ये भी ठीक नहीं है। अपनी बड़ाई सुनना, अपनी बड़ाई चाहना ये परमार्थ के लिए हानिकारक विषय है। जितना कंचन कामिनी उतने कीर्ति, अगर आप बड़ाई के लिए प्रभु चर्चा करते हैं तो हानिकारक है। अगर प्रभु की आज्ञा मानकर बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च नमन्ति च, तो आपके प्रेम का वर्धन करने वाली बन जाएगी। कह रहे रे मूर्ख क्यों चतुर बनी अर्धत बारंबार, तुम हो तो मूर्ख लेकिन चतुराई करके बार बार ऐसी चेष्टा करते हो कि तुम्हारी बड़ाई हो। हम समझा सकते हैं किसी को नहीं। बहुबातन व्यवहार, ये बहुत बातें और बहुत व्यवहार इसको छोड़ो, एकमात्र सी प्यारी जो और प्यारे जो की तरफ बढ़ो। हट कर पक्ष न रोपिए नहीं करिए उपदेश, किसी सभा में जाकर तर्क के द्वारा अपने पक्ष को प्रधान रखना ये प्रेमी उपासक के लिए ठीक नहीं। ताते मौन रही वह उचित है नहीं। प्रेमी उपासक कभी सभा में जाकर के तर्क विवाद करना, अपना पक्ष सिद्ध कर, ये सब वो तो भगवत चरणारविंद की प्रेम के पथिक है, वो तो सबसे दयनीय रहते हैं और सबको समझते हैं। जैसा भूरी सखी समझा रही, कह रहे हटकर पक्ष न रोपिए नहीं करिए उपदेश, सबसो नम नीचे रहो छाड़ बड़प्पन लेस। अपने को सबसे छोटा समझो, अपने में बड़प्पन का आरोप मत करो। मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, मैं गुरु हूं, मैं उपदेशक हूं, नहीं। आप एक यंत्र हैं और यंत्री प्रभु जैसे आपको चला रहे वैसे आप चल रहे, ऐसी भावना करें। सब ज्ञानी सब ही चतुर उर पेरक हित चंद, सब बढ़िया है, सब ज्ञानी है क्योंकि सब भगवत स्वरूप, सब बड़े चतुर हैं। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी को समझाने की कि आप समझो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, नहीं। उर्पेरक हित चंद सबके हृदय में वही प्रेरणा कर रहा है, उन्हें गाली देने की हाँ हाँ वही प्रेरणा कर रहा है कि देखो कितने बड़े महात्मा हो, समझो अपने को, समझो कितने में हो।
वो अपमान कर समझो आप कितना, क्योंकि शास्त्र कहता है ये अपमान और मान को बराबर, शत्रु मित्र को बराबर, दुख सुख को बराबर, तो कितना बराबर कर पाए तभी तो पता चलेगा जब ऐसा होगा। छानी पर अपन लेश सब ज्ञानी सब ही चतुर उर पेरक हित चंद कहे करे सो सब भली तू न बोल मति मंद। तुम मत बोल, तुम तो अपने प्रिया प्रीतम की चर्चा करो, भगवत मार्ग की बातें करो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु की गाथा गाई जा रही है, हमारे हृदय में प्रभु के प्रति और आसक्ति हो इसलिए प्रभु की चर्चा की जा रही। हम किसी को समझा सके ऐसी हमें सामर्थ्य रहे, क्योंकि जिसको समझाने की बात सोच रहे वो परम समझदार प्रभु ही है, उन्हीं का खेल चल रहा है। तो ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? यदि मैं इतना सहूं और ऐसे चुप रहूं तो मुझे मिलेगा क्या? बोले जो पीड़ा पैदा हो रही है वही प्रेम की पीर बन जाएगी। समझ लीजिए, अंदर जो जलन पैदा होती है उसे मिटाने की कोशिश मत करो, यही जलन तुम्हारा बहुत बड़ा परमार्थ पुष्ट कर देगी। जैसे बिना ताप के कोई भी मटकी जल रखने योग्य नहीं होती है, ऐसे ही बिना ताप के हृदय प्रेम के योग्य नहीं होता, सब भस्म हो जाता है। शुभ संस्कार वासनाएं जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, जो दुर्वासना हमें सदा खींचती रहती है वो इसी ताप से भस्म होती है, और यही ताप भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता पैदा करके विरह बन जाता है, जो बिना किसी प्रयास के सतत भगवत स्मरण होता है। कठिन पीर है प्रेम की बिरले जाने ताही, जे जाने ते कहे नहीं और जिए सराय सराय। अब वो पीर काहे की पीर बन गई? बोले प्रेम की पीर बन गई। जब तुम काम की पीड़ा नहीं सह पाते, अपमान की पीड़ा नहीं सह पाते, निंदा की पीड़ा नहीं सह पाते, दूसरे के द्वारा कटाक्ष उपहास की पीड़ा नहीं सह पाते, तो प्रेम की पीड़ा कैसे सह पाओगे? ये इसीलिए सहना आवश्यक है क्योंकि आपको बहुत बड़ा महामहिम प्रेम का आनंद मिला है। आनंद की भी एक पीड़ा होती है, हमारा सहने की इतनी सामर्थ्य है, जो इतना आनंद मिलता है हृदय ये सहो शुभारंभ सहो, चाहे अखंडानंद के लिए हो चाहे प्रेमानंद के लिए हो, सहना पड़ेगा, बिना सहे इस मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ सकते। कठिन पीर है प्रेम की बिरला, कोई बिरला ही सह सकता है। यहां बिरला शब्द क्यों कहा गया? क्योंकि जब हथौड़ी और छेनी चलती है तो कोई बिरला संगमरमर भी टिक पाता है, नाक बनानी आंख बनानी कान बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके काटता है, और जो टिक गया वही पूजता है बैठकर उच्च आसन पर, नहीं साधारण पैरों के नीचे बिछा दिया जाता है। बिरला जो विशेष विशेष प्रकार की प्रतिकूलताओं को मुस्कुरा के सह के राधा राधा कदम आगे ही बढ़ाता रहता, पीछे मुड़ के नहीं देखता, वही बिरला है। नहीं तो जहां चला तो जरा सा भी प्रतिकूलता आई तो बेग अपनी तैयार ही रखते हैं, बोले हमारा झोला बेग तैयार है, जहां कुछ हुआ चल दिए अब जा रहे। किसके सहारे जा रहे हो? मन बुद्धि के सहारे। जिस मन बुद्धि ने तुम्हें अभी तक भगवत साक्षात्कार नहीं होने दिया तो अब आगे कैसे होने देगा? इस मन बुद्धि को अर्पित करना होता है सद्गुरु प्रभु के चरणों में, और उसके अनुसार जब चलोगे तो सहना होगा, और सहन करने वाला ही महात्मा होता है। महात्मा का पहला लक्षण है तितिक्षवा, सहनशील। जे जाने ते कहे नहीं, जो इस पीर को जान गए वो कभी बोल नहीं सकते, और जो इस पीर का सुख लिया तो जिए सराह सराय। वाह प्रभु धन्य है, आपकी कृपा बचा लिया, कैसे संभाल संभाल के चलाए आप करुणा निदान,
इतना मंगल विधान आपका था, जिसे हम प्रतिकूलता समझ रहे थे, जिसे हम समझ रहे थे कि हमारा दुख का कारण ये व्यक्ति वस्त्र स्थान है। नाथ यदि आप वैसी घटना न प्रकट करते, वैसी प्रतिकूलता न देते, तो आज तक मैं जहां भटक रहा था वही भटकता रहता, आज जहां मैं हूं ये केवल आपके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता। किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र को देख लो। नरसिंह मेहता जी की जो भौजाई थी, बड़े भाई की पत्नी, वो देखे जलती थी नरसिंह जी से। मतलब जब घर आवे तब उनको 100 बातें सुनाना और बचा खुचा अन्न देना बड़ा अपमान तिरस्कार ऐसा। एक दिन सत्संग प्रेमी थे, थोड़ा विलंब हो गया संतों के संग से। विचार किया उसकी भौजाई ने कि इतनी गालियां देती, इतनी प्रतिकूलता करती, पर भागता नहीं, यही आ जाता है। उस समय उनके बड़े भाई नहीं थे, कहा कैसे विलंब हो गया, बड़े कटु वचनों से। वो हाथ जोड़कर बोले, आज संतों की सभा में ऐसा चरित्र चला कि विलंब हो गया तो हम सुनते रह गए। अब उसकी समझ में आया कि संतों पर इनकी बड़ी श्रद्धा। तो बोले, तुम्हें उन्हीं संतों की कसम है, अगर यहाँ का एक बूंद पानी और एक भी अन्न का कण भी तुमने खाया और यहाँ रुके तो। तब विचार किया नरसिंह मेहता जी ने कि अभी तक जो गालियां मिलती रही, अपमान मिलता रहा, वो तो ठीक है, लेकिन संतों की कसम खवा दी गई, अब तो बिल्कुल यहाँ का जल भोजन नहीं है, अब तो प्राण भले छूट जाए, मैं संतों की कसम खवा दी गई नहीं, निकल पड़े। और भगवान शंकर के मंदिर में जाके पढ़ रहे, प्रतिपल भगवान देख रहे हैं, ऐसा न समझना। भगवान उमापति जी ने देखा है भूखा प्यासा ऐसा, महाराष्ट्र में सीधे प्रवेश कैसी करो। अगर ये प्रतिकूलता न होती तो वो महारस कैसे। बस ऐसी निष्ठा प्रकट हुई नरसिंह मेहता जी की, अद्भुत चरित्र। जब बुलावे तो भगवान आ जाए, जो काम हो वो भगवान कर जाए, कैसी अद्भुत निष्ठा। प्रतिकूलता, अपमान, निंदा, ये भगवान के द्वारा रचा जाता है हमारे हृदय में आग पैदा करने के लिए। हम उस आग को सह नहीं पाते और उसे क्रोधाग्नि में बदल करके हम उससे बदला लेना चाहते, द्वेष कर बैठते। ये हमारा साधक का स्वरूप नहीं, ये उपासक का स्वरूप नहीं है। अगर हम सराह सराह के सह गए तो क्या मिलेगा इस पीड़ा को सहने से। तो बोल रहे हैं वो प्रिया प्रीतम आपके नेत्रों में आके बैठ जाएंगे, ध्यान नहीं करना पड़ेगा। जब सो छवि ही गड़ी ही गति कहीं न जाए, नित सिरात नित ही तपत टूट टूट जुड़ जाए। प्यारी और प्यारे जो की वो जब से छवि देखने को मिली, तब से हृदय की दशा बदल गई। कभी इतनी शीतलता होती, इतना प्रभाव, कभी पुनः हृदय में ऐसी जलन पैदा हो जाती है, ऐसी प्यास पैदा हो जाती है। तो देखा तो प्यास कैसी, ये रूप ही ऐसा है, तन मन के बिछुड़े नहीं, पर चाह बढ़े दिन ने, अनवरत मिलबे को निश दिन मिले ही रहे, मनो कब मिले ना, टूट टूट जुड़ जाए। बार बार हृदय चूर चूर हो जाता है, फिर वो जुड़ जाता है, ऐसा प्रेम का स्वरूप। तो कह रहे हैं अब तुम्हें ऐसी रहने में रहना है, ना काहु सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार, सह जाओ। तुम अविनाशी का कोई विनाश करने में समर्थ नहीं है, और इस विनाशी शरीर को कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए शांत होकर सहते हुए निरंतर प्रिया प्रीतम की तरफ आगे बढ़ो, व्यवहार में मत उलझो। श्री राधा।